हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू दी ऑनलाइन एमसीक्यू प्रैक्टिस लेक्चर सीरीज फॉर नीट JEE एंड गुजकेट। डियर स्टूडेंट्स, करंटली वी आर डिस्कसिंग पेपर सॉल्यूशन ऑफ गुजकेट 2019। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 33। इफ द ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 96 सेंटीमीटर एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 15.4 नॉर्मल सेटिंग, देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ब्लैंक सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो और यहाँ पे हमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ दी है। एक तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की ट्यूब लेंथ दी है और दूसरा उसका मैग्नीफाइंग पावर दिया है। तो ये दो चीज़ों से हमें दो इक्वेशन मिलेंगे बच्चों, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो बच्चों, पहले मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई। तो एक फॉर्मूला मिला हमें मैग्नीफाइंग पावर का, दैट इज m इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई, और वो कितना दिया है बच्चों? 15। तो ये इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? एफ नॉट इज इक्वल टू 15 एफ ई। दूसरा हमें ट्यूब लेंथ दी है, तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला बच्चों होता है एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। ट्यूब लेंथ एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई, और वो कितना दिया है? 96। तो हमें एफ नॉट एंड एफ ई का दो फॉर्मूला मिले। फॉर्मूला नंबर वन, दैट इज एफ नॉट इज इक्वल टू 15 एफ ई, एंड फॉर्मूला नंबर टू, दैट इज एफ नॉट प्लस एफ इज इक्वल 96। अब ये दो फॉर्मूला को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें एफ नॉट इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एफ नॉट की ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन में रख देंगे एफ नॉट की जगह पे, तो हमें मिल जाएगा एफ ई। तो एफ ई इस इक्वेशन से कितना मिलेगा? 6 सेंटीमीटर। और एफ ई की जो वैल्यू यहाँ पे मिली है वो सिर्फ यहाँ पे रख दो ये इक्वेशन में। तो एफ ई की जो वैल्यू मिली हमें 6 सेंटीमीटर, अगर वो यहाँ पे हम रख दें तो हमें एफ नॉट मिलेगा 19 सेंटीमीटर। सो एफ नॉट, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसिवली इल्यूमिनेट मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो ड्यूअल नेचर से है, रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यहाँ पे हमें एनर्जी, वर्क फंक्शन एंड वेलो स्पीड तीनों का एक कॉमन जो रिलेशन है, इक्वेशन है, वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों, डायरेक्टली स्पीड, एनर्जी फोटोन की एंड वर्क फंक्शन का कोई रिलेशन हमें नहीं आ रहा है, हमारे पास नहीं है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटोन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन का रिलेशन है, जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो वो इक्वेशन डायरेक्टली हमें यूज करना है। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन सा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। ये है हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटोन की एनर्जी दैट इज एच म्यू, एंड मेटल फंक्शन के तीनों के बीच का रिलेशन। और ये जो फॉर्मूला है इसको हम पॉपुलरली बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे? दो, बिकॉज यहाँ पे दो फोटॉन्स है। पहला फोटोन है जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरा फोटोन है उसकी एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहले फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी स्पीड, दूसरे फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी स्पीड, दोनों के स्पीड का रेशियो लेना है, मैक्सिमम स्पीड का। ओके, तो पहले फोटोन की वजह से जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसकी स्पीड को हम बोल दें V1, और दूसरे की वजह से जो मिलेगा उसको उसकी स्पीड की बोल दें हम V2, और दोनों का हमें रहना है रेशियो। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम 1/2 mv² लिख दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लिखेंगे 1/2 mv² इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। अब यहाँ पे एच म्यू पता है हमें, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड फाइव भी पता है, दैट इज 0.5। तो फर्स्ट फोटोन के लिए जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी वेलोसिटी इससे मिल जाएगी। तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे लिखूंगा एच म्यू की जगह पे,
तो हमें वी वन मिलेगा, और एच में की जगह पे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखूंगा तो मुझे वी टू स्क्वायर मिलेगा। तो मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू, और दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो वन हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5, वन हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 माइनस 0.5, दोनों का रेशियो ले लो तो m बाई टू कैंसिल हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला हमारा रेशियो हो जाएगा वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 0.5। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा वी वन डिवाइडेड बाई वी टू इज इक्वल टू √3/2। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 35। टू इंक्रीज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0.5 × 10⁻¹⁰ मीटर टू 10⁻¹⁰ मीटर, इट्स एनर्जी शुड बी ब्लैंक। बच्चों ये भी ड्यूअल नेचर से रिलेटेड टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और यहाँ पे देखो मुझे वेवलेंथ एंड एनर्जी का रिलेशन चाहिए। तो याद करो यहाँ पे वेवलेंथ और एनर्जी के बीच का कौन सा इक्वेशन है, तो याद करो लैम्ब्डा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। व्हाट इज के? के इज द काइनेटिक एनर्जी जो हमें फाइंड करनी है। तो के इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो लैम्ब्डा और के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों, तो लैम्ब्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√k। लैम्ब्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√k। तो अगर मुझे वेवलेंथ को इंक्रीज करना है, यहाँ पे देखो वेवलेंथ डबल हो रही है बच्चों, 0.5 × 10⁻¹⁰ मीटर से वो हो रही है 1 × 10⁻¹⁰, मतलब लैम्ब्डा हो रही है डबल। अगर लैम्ब्डा को डबल करना है तो के में क्या चेंज लाना पड़ेगा हमें वो फाइंड करना है। तो के को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब अगर के को मैं डिक्रीज करूंगा तो लैम्ब्डा इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे डबल करना है लैम्ब्डा को। तो अगर मुझे लैम्ब्डा को डबल करना है तो के को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। कितने फैक्टर से? डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, बिकॉज यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है बच्चों। तो अगर यहाँ पे फोर्थ फैक्टर से मैं डिक्रीज करूंगा तो ये डबल हो जाएगा। क्लियर? तो इफ आई वुड लाइक टू मेक लैम्ब्डा डबल देन द काइनेटिक एनर्जी शुड बी डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अ व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर हैविंग 8 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्पोक्स इज रोटेटिंग अबाउट इट्स जियोमेट्रिकल एक्सिस with an angular velocity of 10 radian per second in uniform magnetic field of 0.2 tesla perpendicular to its plane. The value of induced EMF between the rim of wheel and center is blank volt. तो बच्चों हमारे पास एक व्हील है जिसमें टोटल 8 कॉन्सेंट्रिक स्पॉक्स है, ये 8 कॉन्सेंट्रिक स्पॉक्स है और ये व्हील की रेडियस है 2 मीटर। व्हील की रेडियस 2 मीटर है, मतलब ये हुआ कि ये कॉन्सेंट्रिक स्पॉक है उसकी लेंथ हो जाएगी 2 मीटर। ओके, और ये रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है बच्चों, रोटेट किस में, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। मतलब हम मान लेते हैं कि इट इज इनसाइड टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मतलब अंदर की तरफ है, ये प्लेन के अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर है। और ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड, और बी है 0.2 टेस्ला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.2 टेस्ला। तो हमें बच्चों ये जो व्हील की रिम है, ये रिम है, दिस द रिम ऑफ द व्हील, और उसके सेंटर के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है। तो बच्चों एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास 8 कंडक्टर है, कितने कंडक्टर है 8, और 8 जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं। तो याद करो हमारे पास एक हमारे पास एक फॉर्मूला है किसके लिए, कोई कंडक्टर है और वो अगर रोटेट कर रहा है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो उसके अक्रॉस में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका एक फॉर्मूला है
बी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा आर स्क्वेयर, ई इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वेयर, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, व्हाट इज ई ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस दिस कंडक्टर हैविंग लेंथ दैट इज आर, कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर दैट इज अ रेडियस, बेसिकली रेडियस, और इसकी लेंथ कितनी है, रेडियस जितनी, तो ईएमएफ इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वेयर, क्लियर। तो ये जो ईएमएफ मिलेगा मुझे एक स्पॉक के अक्रॉस में ईएमएफ मिलेगा, ओके लेकिन मुझे तो पूरे व्हील में उसके सेंटर से रिम के बीच का ईएमएफ फाइंड करना है, मतलब ये जितने भी स्पॉक है उसके अक्रॉस में जितना ईएमएफ होगा वो टोटल ईएमएफ इसके सेंटर एंड रिम ऑफ व्हील के बीच में होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे गौर से अगर हम देखें तो ये जितने भी स्पॉक है ये सब पैरेलल में, मतलब उसके अक्रॉस में, एक के अक्रॉस में जितना ईएमएफ होगा सेम ईएमएफ सबके अक्रॉस में होगा, सेम टू सेम, और पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है वो हमें पता है, मतलब एक स्पॉक के अक्रॉस में जितना ईएमएफ होगा उतना ईएमएफ ये रिम ऑफ द व्हील एंड सेंटर के बीच में होगा। तो अगर हम एक स्पॉक के लिए ईएमएफ फाइंड कर दे, सेम ईएमएफ इज बिटवीन द रिम ऑफ व्हील एंड सेंटर, दैट इज 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। सब वैल्यू हमें पता है, बी इज इक्वल 0.2 टेस्ला, ओमेगा दैट इज 10 रेडियन पर सेकंड, एंड आर दैट इज द रेडियस 2 मीटर। रख दो सब वैल्यू और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ईएमएफ मुझे मिलेगा 4 वोल्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी 4 वोल्ट, क्लियर। तो आई होप कि आपको आज के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें पता चल गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।